हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज के जो टिप्स है फ्रेंड, वो है किचन टिप्स, जो कि आपके किचन के काम में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए अपना कीमती समय निकालिए, ज़रूर पढ़े। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज किचन टिप्स में कौन कौन से टिप्स हैं। तो इसमें नंबर फर्स्ट है, अगर आप सब्जी में भिंडी बना रहे हो तो भिंडी काटने से पहले चाकू में थोड़ा सा नींबू ज़रूर रगड़ें, ताकि भिंडी काटते समय भिंडी की लेस आपके हाथों में ना लगे। तो अगर आप भिंडी की सब्जी पसंद है फ्रेंड, आपको भिंडी की सब्जी काटनी हो तो भिंडी की सब्जी काटने से पहले चाकू में नींबू ज़रूर रगड़ें, इससे भिंडी की ले जो लेस होती है वो हाथों में नहीं लगेगी, ना ही चाकू में लगेगी। नेक्स्ट, अगर खाना जल्दी बनाना हो या आप वर्किंग वूमेन हो, तो इसके लिए जब भी आपके पास खाली समय हो, ग्रेवी पहले से बना के रखें और एक कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रखें, जिससे खाना भी सही टाइम में जल्दी से बन जाए और खाना स्वादिष्ट भी हो और आपका समय भी बच जाए ग्रेवी बनाने के लिए। तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं फ्रेंड, खाना जल्दी बनाना हो, तो इसके लिए आपके पास जब भी एक्स्ट्रा टाइम हो तो उस समय ग्रेवी बना के रख दें और इसे फ्रिज में स्टोर करके रखें, ताकि खाना जल्दी से बन जाए, खाना स्वादिष्ट बने और टाइम पे बन जाए। नेक्स्ट है, टमाटर का सूप बनाने के लिए उसमें एक हरी मिर्च, एक लहसुन का टुकड़ा, एक अदरक का टुकड़ा ज़रूर डालें, इससे टमाटर का सूप और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो सर्दियों में सूप ज़्यादा पिया जाता है फ्रेंड, तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है ये, ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करते समय उसमें लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखें और अदरक की मात्रा कम रखें। तो जब भी आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना हो तो उसमें ध्यान रहे कि लहसुन की मात्रा ज़्यादा रखनी है और अदरक की मात्रा कम रखनी है, इससे क्या होगा कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट होगा वो स्वादिष्ट बनेगा। तो ये वाला टिप्स भी ट्राई करके देख लीजिएगा फ्रेंड। आप चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। रात को अगर चने या राजमा की दाल भिगाना भूल गए हो, तो कभी कभी भूल जाते हैं फ्रेंड रात के समय दाल भिगाना, जो मोटी दाल होती है, खासकर चने, राजमा, छोले वाली दाल, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह जब भी आप दाल बनाते हो तो पहले दाल को 1-1.5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा के रखना है, इससे वो फूल जाएगी तो जल्दी बन जाएगी और इससे दाल स्वादिष्ट भी बनेगी और आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो और साथ में आपको दूध भी गर्म करना पड़ रहा है, मतलब दोनों वर्क साथ में, यानी कि किचन का काम भी और साथ में दूध भी गर्म कर रहे हो, तो आपको कोशिश करनी है कि दूध की जो पतीली है उसके ऊपर एक करछी ज़रूर रखनी है, इससे क्या होगा कि दूध पतीली से बाहर नहीं आएगा, यानी कि दूध गैस पे नहीं गिरेगा, क्योंकि काम करते करते कभी कभी दूध गैस से बाहर आ जाता है जब आप दूध गर्म करने के लिए रखते हो। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी दूध गर्म करना हो और अगर आपको किचन में साथ साथ वर्क भी करना हो, तो दूध की पतीली के ऊपर करछी ज़रूर रखें, ये दूध को बाहर नहीं आने देगा पतीली से। नेक्स्ट है, सब्जी बनाते समय तेल में थोड़ा हल्दी ज़रूर डालें, ताकि तेल के छींटे बर्तन से बाहर ना गिरें। तो जब भी आप सब्जी में छौंक लगाते हैं फ्रेंड, तो तेल के छींटे बर्तन से ना बाहर गिरें, इसके लिए आप उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ज़रूर डालें, ताकि तेल के छींटे बाहर ना गिरें। तो आज के टिप्स कैसे लगे फ्रेंड आपको, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अपना प्यार भरा सपोर्ट यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।